इसमें ज़्यादा तुल पकड़ने का जरूरत नहीं है। भारत वर्ष बहु धर्म बहुभाषा के है और झारखंड में भी बहुभाषा बहुत धर्म के रहते हैं और हर समुदाय का कुछ अपना अपना क्षेत्र होता ही है और हर समुदाय को अपना परंपरा, अपना धार्मिक स्थल, अपना सांस्कृतिक बचाने का और बात रखने का सबका अधिकार है। और जो आज आदिवासी समुदाय ने आज परसनाथ में अपना जो बात रखा है, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। और वो बस्ती आज से नहीं, हम लोग भी नहीं जानता कब से है उस बस्ती। हम लोग भी पेड़ पौधा के नीचे पूजा करते हैं, हर साल उसी जगह में पूजा करते हैं जो अपना रीति रिवाज के हिसाब से। आज यदि बात किसी तरह का उठा है उसको दिखा जाएगा, लेकिन झारखंड क्षेत्र में सभी को सम्मान के साथ जीने का हक है और ये हमारा हेमंत सोरेन सरकार सबको ध्यान देके आगे चलेगा। दादा, लेकिन बात वहाँ पे भारत बंद का संथाली समाज ने किया कि भारत बंद करेंगे, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार मान रहे, बोल रहे कि सिर्फ जैनियों का पक्ष सुना जा रहा है, हमारा नहीं। हमारा शक्ति पूजा हमेशा शुरू से होता रहा, हम आगे भी देंगे बलि। कब नहीं सुना गया है, जो इस तरह के बात बोलता है एक दो आदमी उसको अलग रंग उसको दिखाई दे रहा है। हम लोग भी है, ये बात आज सामने आया है और उसका समाधान भी होगा बहुत जल्दी। ज़्यादा आप लोग की चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्या दादा वो कौन किया है, करने दीजिए ना। वहाँ का समुदाय से हम हमारा समुदाय से उस समुदाय से हमारा संपर्क भी है और बाकी समुदाय से भी संपर्क में है। हम लोग इसको कोई किसी तरह का ये आखड़ा, लड़ाई का आखड़ा नहीं बनाना है, लेकिन देश के अंदर या राज्य के अंदर सभी के ऊपर न्याय होगा। आज जो सही है वही हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। भारत को लेकर आप ही के वरिष्ठ सब लोग पारसनाथ को लेकर आप ही के वरिष्ठ विधायक ने भारत बंद का आह्वान किया। ये पूरी तरह से जिस तरह से केंद्र में की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है कि आपस में लोगों को लड़ाते रहो, यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, यहाँ पर जाति धर्म की लड़ाई करो और अपना उल्लू सीधा करो, ये अब कभी सफल नहीं होने वाला है। और जहाँ तक जैन धर्मावलंबियों की बात है, पारसनाथ की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू में ही माननीय मुख्यमंत्री से जैन धर्मावलंबियों का एक डेलीगेट, जिस समय हमारा सदन चल रहा था शीतकालीन सत्र, उस समय मुलाकात किया था और उन माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त कराया था कि किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को यहाँ पर इस राज्य में उनकी भावना को किसी तरह की ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी और उस पर हम दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं आपके माध्यम से जैन धर्मावलंबियों को ये आश्वस्त कराना चाहूँगा कि वो किसी भी इस तरह के भ्रम में ना आए और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और किसी तरह के उनकी आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और पूरी तरह से सुरक्षित और जैसे पहले पारसनाथ सुरक्षित था और जैन धर्मावलंबी पूरे देश दुनिया से आकर वहाँ अपनी आराधना करते थे, पूजा करते थे और वो उसी स्वरूप में और उसी स्थिति में रहे। ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, ये पहले भी आस्था की पूजा होती। मैंने कहा कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय को इस राज्य में पूरी तरह से उनका हक, अधिकार और सम्मान मिलेगा और कहीं भी किसी भी धर्म की के साथ, किसी की आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये मैंने कहा।